अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपका सबसे पसंदीदा आविष्कार कौन सा है, तो आपका क्या जवाब होगा? इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे आविष्कारों के बारे में जो दुनिया के सामने आ जाते तो शायद आज हमारी दुनिया कुछ अलग ही होती। टॉम ओग्ले कार्बोरेटर। सन 1978 में टॉम ओग्ले ने एक ऐसा कार्बोरेटर की खोज की जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का भाग्य ही बदल देता। यह आविष्कार तब हुआ जब 19 साल के टॉम ने अपने लॉन मोवर के फ्यूल टैंक में गलती से छेद कर दिया। छेद को बंद करने की जगह टॉम ने उसे वैक्यूम लाइन की मदद से कार्बोरेटर में लगा दिया और इससे फ्यूल टैंक आधा भरा होने के बावजूद भी लॉन मोवर लगातार 96 घंटे तक चलता रहा। अगले 5 सालों में टॉम ने अपनी कार फोर्ड गैलेक्सी पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फ्यूल पंप और कार्बोरेटर की जगह एक ब्लैक बॉक्स, जिसे वो फिल्टर कहते थे, उसको लगाया। इससे उनकी कार 20 मील प्रति गैलन से 100 मील प्रति गैलन की क्षमता देने लगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस प्रणाली से गाड़ियों का माइलेज बढ़ने के साथ साथ ईंधन उत्सर्जन भी ना के बराबर होगा, जिससे वातावरण का कम से कम नुकसान होगा। 24 साल की उम्र में टॉम ने प्रेस को इस आविष्कार के बारे में सूचित किया और दावा किया कि वो 200 मील की दूरी केवल 2 गैलन फ्यूल में खत्म कर देंगे। पत्रकार और विशेषज्ञों ने छिपे हुए फ्यूल टैंक की शंका दूर करने के लिए उनकी कार की अच्छी तरह से तलाशी ली। जब वो कुछ नहीं ढूंढ पाए और टॉम ने अपनी यात्रा पूरी की, तब उनका एक आविष्कारक के रूप में स्वागत किया गया, जिसने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जिसमें ईंधन की खपत ना के बराबर होती थी। जब टॉम को इस प्रोजेक्ट को और सफल करने के लिए निवेश मिलना शुरू हुआ, तो अफवाहें फैलनी शुरू हुई कि इसका पेटेंट दूसरी कंपनीज के पास पहले से ही है, जिसमें जनरल मोटर्स भी शामिल थी। जनरल मोटर्स अमेरिका की एक बहुत जानी मानी कंपनी है। यही नहीं, टॉम के साथ जुड़े सभी साथियों का बर्ताव भी टॉम के प्रति बदलने लगा और सब साथी यह कहने लगे कि यह काम नहीं करेगा। और शेल ऑयल कंपनी ने, जो शुरुआत में $2.5 करोड़ का निवेश किया था, वो भी वापस ले लिया। यह सब होने के बाद टॉम नशे का शिकार हो गए और 1981 में उनको किसी ने एक बार के बाहर गोली मार दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जांच के बाद उनकी मृत्यु को आत्महत्या घोषित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि मौत का कारण ड्रग्स ओवरडोज था। टॉम के दोस्तों का मानना है कि टॉम आत्महत्या करने वालों में से नहीं थे और टॉम ने काफ़ी बार कहा था कि उन्हें शक होता है कि उनकी ड्रिंक से कोई छेड़छाड़ कर रहा है। टॉम की मृत्यु से जुड़े काफ़ी अनसुलझे सवाल हैं, जैसे कि वो कंपनीज टॉम की मृत्यु के बाद कभी सामने नहीं आई जो बोल रही थी कि उनके पास इस आविष्कार के पेटेंट पहले से हैं। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। पैलेडियम सिगरेट। हर साल तकरीबन 55 लाख लोग धूम्रपान की वजह से मारे जाते हैं। क्या कभी आपने एक ऐसे सिगरेट के बारे में सोचा है जिसमें कैंसर करने वाले केमिकल्स ही ना हो? 1950 में साइंटिस्ट डॉक्टर जेम्स डी मोल्ड ने एक ऐसा ही आविष्कार की खोज करी। जेम्स नॉर्थ कैरिलोना की तंबाकू कंपनी लिजेंट एंड मेयर्स में काम कर चुके थे। उनका काम लैब में चूहों पर तंबाकू के हानिकारक असर को जांचना था। अपने अध्ययनों से वो उन पदार्थों को सिगरेट से अलग कर पाए जिनसे स्किन कैंसर होता है, और वो एक सुरक्षित सिगरेट बनाने में जुट गए। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रोजेक्ट XA का नाम दिया और शुरुआत में लिजेट एंड मेयर्स कंपनी उनके साथ थी। जेम्स को 25 साल लगे एक ऐसी सिगरेट बनाने में जिसमें पैलेडियम और मैग्नीशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल का भरोसा दिया गया, जो कैंसर करने वाले पदार्थों को खत्म कर देता था। इसको उन्होंने पैलेडियम सिगरेट का नाम दिया। इस सिगरेट के बारे में सरकार को पता चलने पर, वकीलों के कहने पर, लिजेट एंड मेयर ने जेम्स के प्रोजेक्ट से अपना समर्थन वापस ले लिया। यह मानना काफ़ी मुश्किल है कि वकीलों ने कंपनी को यह सलाह दी कि सुरक्षित सिगरेटों को लाने से उसके पहले वाले ग्राहक खुश नहीं होंगे और वो सब कंपनी पर मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि वो इस नई सिगरेट को असुरक्षित मान सकते हैं। क्योंकि यह उस समय की बात है जब सिगरेट पीना फैशन था और सिगरेट को सेहतमंद भी माना जाता था। अपने काम को निरंतर ना करने के कारण जेम्स से कंपनी ने गुजारिश करी कि वो इसको कभी प्रकाशित ना करें, और उनकी 25 साल की मेहनत बेकार हो गई। इस समय लिजेट एंड मेयर्स दूसरी तंबाकू कंपनी लगातार ऐसी सिगरेट बेच रही थी जो कैंसर का कारण बनती हैं। यह मानना स्वाभाविक है कि जेम्स को लिजेट एंड मेयर्स के साथ दूसरी बड़ी तंबाकू कंपनी द्वारा रोका गया था। 2002 में उनकी मृत्यु हो गई, ये जानते हुए भी कि वो काफ़ी लोगों की जान बचा सकते थे अगर तंबाकू कंपनियों ने अपना लालच कम किया होता और वो ये मान लेते कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। प्लाज्मा बैटरी। डिमित्री पेत्रनोव के बारे में जानकारी काफ़ी कम है, पर यह पता है
कि वह अस्तित्व में थे। उनका जन्म 1952 कीव में हुआ, लेकिन वो पढ़ने के लिए बर्लिन के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे। उसके बाद उन्होंने 20 साल से ज्यादा एक एविएशन कंपनी में काम किया। अपने खाली समय में पेट्रोनोव आविष्कार करते रहते थे, जिसमें से सबसे पहला एक बहुत ही तेज एलईडी फ्लैशलाइट थी, जिसने लोगों को महंगा होने के कारण कम प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने एक प्लाज्मा बैटरी का आविष्कार किया, जिसका पेट्रोनोव ने दावा किया कि इस बैटरी को बिना चार्ज किए 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इस बैटरी को इस्तेमाल करके अपना पूरा घर बिजली से प्रकाशित किया। जब इसके बारे में पता चला तो दिमित्री को 2009 में इसकी योग्यता दिखाने के लिए एक मिलिट्री लैब में मॉस्को से निमंत्रण आया। पेट्रोनोव वहां अपने साथ डुप्लीकेट बैटरी ले गए, जिसको मिलिट्री ने रख लिया। जब वो वापस आए तो उनकी बहन ने बताया कि वो काफी खुश थे, पर उन्होंने मीटिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं की। केवल यह बताया कि मिलिट्री उनके आविष्कार में निवेश करने के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि जब तक बैटरी का केवल रशिया में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद दिमित्री से एक व्लादिमीर नामक युवक मिलने आया। उनकी बहन ने बताया कि उस मुलाकात के बाद दिमित्री थोड़े परेशान हो गए। उसके कुछ महीने बाद फरवरी 13, 2010 में दिमित्री को आखिरी बार एक बेकरी के बाहर ब्रेड लेते हुए देखा गया था। जब उनकी बहन पुलिस में गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाकर वापस आई तो घर में अंधेरा था, और पड़ोसियों ने बताया कि 2 मिलिट्री के आदमी उनके घर में घुसे थे और दिमित्री की आविष्कार की हुई प्लाज्मा बैटरी साथ लेकर चले गए। 2 हफ्ते बाद दिमित्री का कुछ पता न चल सका तो उनकी बहन को एक पार्सल मिला, जिसमें दिमित्री की घड़ी थी। दिमित्री की गुमशुदगी के 1 साल बाद एक सड़ी हुई लाश रशिया की वोल्गा नदी में मिली, जिसके की हाथ और दांत गायब थे, जिससे उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था, और ऐसा माना जाता था कि वो दिमित्री की ही लाश है, पर इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। स्लोड डिजिटल कोडिंग सिस्टम। 1990 में नीदरलैंड देश के इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन रोमके जैन बर्नार्ड ने घोषणा करी कि उन्होंने क्रांतिकारी स्लोड डिजिटल कोडिंग सिस्टम बनाया है, जो डाटा कंप्रेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। डाटा कंप्रेशन का अर्थ है एक बहुत बड़े डाटा को छोटी फाइल में कन्वर्ट कर देना, जैसे 1 GB डाटा को महज 20 या 30 KB में कंप्रेस कर देना। उन्होंने इस आविष्कार का दावा किया, इससे एक पूरी मूवी केवल 8 KB में स्टोर की जा सकती है, जो कि आज की तारीख में लगभग 1.5 से 2 GB की होती है, और आप सभी इस बारे में जानते ही हैं। बर्नार्ड ने इसका प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव के सामने किया, जिसमें उन्होंने 64 KB की चिप पर 8 पूरी मूवियां एक के बाद एक चलाकर दिखाई। उनके इस नमूने को देखकर फिलिप्स कंपनी ने उनके इस प्रोजेक्ट में निवेश करने का मन बना लिया, और रॉयल पाइपर, जो कि फिलिप्स के बोर्ड ऑफ मेंबर थे उस समय, उन्होंने इस दावे को पक्का कर दिया कि फिलिप्स उनके प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। लेकिन इससे पहले कि बर्नार्ड इस आविष्कार का सोर्स कोड उनको दे पाते, 11 सितंबर 1999 में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी मौत का कारण यूं तो हार्ट अटैक बताया जा रहा है, पर सच क्या है ये तो सभी से छुपाया गया है। और जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने अपना सोर्स कोड सेव किया था, वो भी गायब हो चुकी थी। काफ़ी महीनों की जांच पड़ताल के बाद भी वो फ्लॉपी डिस्क का कहीं पता नहीं चल पाया, और दुनिया के बीच एक महान आविष्कार आते आते रह गया। वाटर फ्यूल सेल। स्टैनली मेयर और उनका जुड़वा भाई 1942 में US के कोलम्बस में पैदा हुए। बचपन से ही दोनों को नए नए आविष्कार करने का शौक था। स्टैनली ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, नासा के साथ काम किया, और जेमिनी और स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट में अहम भूमिका भी निभाई। इसके अलावा उन्होंने अपने इंजीनियर भाई के साथ मिलकर अरबों डॉलर की ट्रांसपोर्ट और स्पेयर पार्ट कंपनी भी खोली। स्टैनली के पास 42 आविष्कारों के पेटेंट थे, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर उनका वाटर फ्यूल सेल का आविष्कार था, जिसका वो दावा करते थे कि इस फ्यूल सेल से पानी का इस्तेमाल करके गाड़ियों को चलाया जा सकता है। ये वाटर फ्यूल सेल पानी के तत्वों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देता था, और हाइड्रोजन की जलने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती थी। उन्होंने इस आविष्कार को प्रोफेसर माइकल लॉन्गटन, जो मैरी कॉलेज लंदन में इंजीनियरिंग के हेड थे, सर एंथनी ग्रिफिन, जो ब्रिटिश नेवी के भूतपूर्व संचालक थे, और डॉक्टर कीथ हिंडले, जो एक रसायन वैज्ञानिक थे, उन्हें दिखाया। इन सब ने इस बात को माना कि वाटर फ्यूल सेल पारंपरिक इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक से काफी ज्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण बनाने की क्षमता रखता है, जिससे कि वाहनों को चलाया जा सकता है। स्टैनली ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया जब उन्होंने नल के पानी को हाइड्रोजन फ्यूल में बदल दिया, और जिससे उनकी कार चल सकती थी। कुछ वक्त बाद उनके वाटर फ्यूल सेल की न्यायालय में 3 विशेषज्ञों द्वारा जाँच की गई, और उन्होंने स्टैनली के आविष्कार को
धोखा बताया और साथ में यह भी कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और स्टैनली केवल पारंपरिक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यायालय ने स्टैनली को दोषी करार दिया और दो निवेशकों को उनके पैसे लौटाने को कहा। इसके लगभग 20 साल बाद 20 मार्च 1998 में इसी फ्यूल सेल को और बेहतर बनाने के बाद स्टैनली और उनका भाई बेल्जियन ग्रोव सिटी क्रैकर बैरल नामक जगह पर मिले। स्टैनली ने अपने जूस का केवल एक घूंट ही पिया था कि वो अपना गला पकड़कर रेस्टोरेंट से उल्टी करते हुए बाहर भागे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके आखिरी शब्द थे, उन्होंने मेरे को जहर दे दिया। स्टैनली मेयर, जिन्होंने ये दावा किया था कि वो फॉसिल फ्यूल पर निर्भर होना खत्म कर देंगे, 57 की उम्र में मर गए। उनके साथ उनके कई आविष्कार भी लुप्त हो गए और वाटर फ्यूल सेल जो कभी उपयोग में नहीं लाया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उनकी मौत सामान्य थी या बड़ी ऑयल और ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा उनके खिलाफ साजिश रची गई थी? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, यह थी वीडियो 5 आविष्कारों के बारे में जो अगर हमारे बीच होते तो हमारी दुनिया कुछ अलग ही होती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।